लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह जोगिंदरनगर में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विधायक प्रकाश राणा ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी फील्ड में पहुंचकर चल रहे विकास कार्यों की निगरानी सुनिश्चित बनाएं, ताकि विकास योजनाओं को समयबद्ध पूर्ण कर इन्हें लोगों को समर्पित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून मौसम को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग तथा बिजली बोर्ड के अधिकारी पूरी सजगता के साथ फील्ड में कार्य करना सुनिश्चित बनाएं, ताकि लोगों को पेयजल, सड़क तथा बिजली की समस्या से परेशानी ना उठानी पड़े। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को मानसून मौसम के दौरान लोगों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित बनाने तो वहीं बरसात के कारण सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग को अपनी मशीनरी तैनात रखने की भी निर्देश दिए। सिर्फ उसको भी पानी का बने वो देना था आपसे, तो मैंने उसको एडीओ को पूछा भाई क्या करो, तो नहीं बोला बस ही चार दिन में दे देंगे, चार दिन फिर डेढ़ महीना हो गया। नहीं सर, अरे खेती का काम खाली शुरू हो गया, नहीं सर डेढ़ महीने पहले बोले थे, क्यों बात है? तो पूछे तो सर क्यों बोला आपने? बोला भगवान ने काम नहीं किया। अरे भगवान ने काम कर तो दूसरे को दो भाई, भगवान कई हमारी गलती तो हमने बोलते हैं उसको सुधार, आप काम तो करें भाई। अब जो आप हमने फील्ड में जाना है, हम सोच रहे हैं क्या जाए, यहाँ तो भाई टैंक बने, टैंक कब बने थे, कनेक्शन कितने दिए तो देखो आप एक्शन सर, आपने हमें कल तक रिपोर्ट कितने महीने कितने को आपने पाए पहले से जल्दी पेमेंट हो जाएगी। अब तो परसों बहुत दिन पहले मीटिंग की सुझाव पर कोई जल्दी नहीं है, वो उसको अब उस पर काम शुरू कर रहा है, अगर नहीं करेगा उसको भी नहीं करेगा तो उसको भी एक्शन। अभी मुख्यमंत्री तक के बाद पहुंची है कब मिलना, मतलब मैं कोई इसको पेमेंट ही मत करो। नहीं ऐसे वैसे कोई पेमेंट नहीं है, देखो मैं पहले बोल दिया है तो बोलने दो, विधायक ने किया बोला, जब काम नहीं करेगा तो क्या पेमेंट करेंगे आपका। फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।